वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन क्लास FY BCom सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स यूनिट 2 शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। मायसेल्फ इमरान अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फ्रॉम MGV's आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी। आई वेलकम यू ऑल इन माय प्रेजेंटेशन। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड में हम शेयर्स ये देख रहे हैं। हम पिछले वीडियो में हमने कुछ सिंपल प्रॉब्लम शेयर्स के ऊपर लिया। आज भी इस वीडियो में हम जो प्रॉब्लम दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे शेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल जो है वो दिया हुआ है, वी विल ट्राई टू सॉल्व। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द प्रॉब्लम गिवन हियर। प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। मिस्टर एन परचेज 150 शेयर्स ऑफ ICICI एट ₹210 ऑन 3rd जनवरी 2014। ऑन 13 फरवरी 2014 द कंपनी डिसाइडेड टू स्प्लिट ऑल द शेयर्स ऑफ कंपनी सो दैट द फेस वैल्यू ऑफ शेयर बिकम फ्रॉम 10 टू 20 पर शेयर। 10 टू 20 पर शेयर। The market price as on 30 July 2014 is ₹300. Find number of shares held by Mr. N as on 30 July 2014. Also find gain as on 30 July 2014. ये problem दिया हुआ है, example दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में भी मैंने वीडियो में मैंने बताया कि आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जो है प्रॉब्लम में जितनी बातें दी हुई है वो हमें लिख लेना है, गिवन जो है वो लिख लेना है। उसके बाद हम जो है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। अभी जो है तो इसमें जो दिया हुआ है वो हम समझ लेते हैं और फिर क्या मालूम करना है वो हम समझ लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पर गिवन, वो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या क्या बातें दी हुई है वो सबसे पहले देख लेंगे हम। गिवन में यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है गिवन टोटल नंबर ऑफ शेयर। सबसे पहले दिया हुआ है 150, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 150 और मार्केट वैल्यू है ₹210 और फेस वैल्यू है ₹20। मार्केट वैल्यू जो नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है आप लोगों को प्रॉब्लम में 150, जैसे कि प्रॉब्लम में है नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर 150, मार्केट वैल्यू जिसकी है ₹210 उसकी मार्केट वैल्यू है और फेस वैल्यू है उसकी ₹20, ये उसकी फेस वैल्यू है। ये इतना जो है तो प्रॉब्लम में आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फेस वैल्यू है उसको कंपनी ने यहाँ पर आके जैसे बोला है कि द कंपनी डिसाइडेड टू स्प्लिट ऑल द शेयर्स ऑफ द कंपनी सो दैट द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर बिकम फ्रॉम 10 टू 20। तो 10 जो है तो यहाँ पर था लेकिन वो 20 हो गया, तो अभी हमें जो है तो प्रॉब्लम में क्या लेना है, फेस वैल्यू ₹20, ठीक है। ये इतना जो है प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मालूम कर लेंगे टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड जो है तो वो हम यहाँ पर मालूम कर लेंगे। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कैसे मालूम करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड आ जाएगा, ठीक है। तो जितना शेयर है वो उसकी क्या कीमत है, मार्केट वैल्यू क्या है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स है आपका 150, जैसे प्रॉब्लम में दिया हुआ है यहाँ पर हमने लिखा 150 और मार्केट वैल्यू है उसकी 210। तो आपका जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा वो आ जाएगा ₹31,500 टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड आ जाएगा, ठीक है। ये कब दिया हुआ है, या दिया हुआ है आपको यहाँ पर 13 फरवरी 2014,
ठीक है। अब जो है यहाँ पर प्रॉब्लम है, आगे क्या बोल रहा है, द मार्केट प्राइस एज ऑन 30 जुलाई 2014 इज ₹300, ठीक है। मार्केट प्राइस जो है तो उसकी कितनी हो गई, 30 जुलाई को 300 हो गई। और हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ शेयर्स मालूम करना है हेल्ड बाय मिस्टर एन एज ऑन 30 जुलाई 2014, एंड ऑल्सो फाइंड द गेन, ऑल्सो फाइंड द गेन एज ऑन 30 जुलाई 2014, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एज ऑन 30 जुलाई 2014, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन 30 जुलाई 2014 ये हम मालूम कर लेंगे। किस तरीके से मालूम करेंगे हम, यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को प्रॉब्लम में 150 ये आपका दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है। तो उसकी कीमत थी ₹10, जिसको जो है तो कंपनी ने इंक्रीज कर दिया है 20 से, ठीक है। तो 150 शेयर्स जिसकी ₹1 फेस वैल्यू थी, ₹1 जो है तो कितने 10, और उसको जो है तो कंपनी ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है 20 से, ठीक है। तो 150 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 20, तो आपका जो शेयर्स आएगा वो 300 शेयर्स आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन 30 जुलाई 2014 कितना आएगा, 300 शेयर्स। किस तरीके से, मार्केट जो आपका टोटल शेयर है वो कितना है 150, और 3 जनवरी तक जो है तो उसके पास ₹10 फेस वैल्यू से था, लेकिन 30 जुलाई को जो है 2014 को उसको 10 से 20 कर दिया गया। तो 30 जुलाई 2014 को नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड कितना रहेगा ये हम मालूम कर रहे हैं। तो 150 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ये रहेगा, उसको जो है तो हम डिवाइड कर देंगे 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 20, जो कि नई कीमत है उसकी, फेस वैल्यू जो है 10 से 20 हो गई। तो आपका टोटल शेयर आ जाएगा 300 शेयर्स हेल्ड ऑन 30 जुलाई 2014। तो 30 जुलाई 2014 को उसके पास 300 शेयर्स था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन 30 जुलाई 2014, एक्चुअल वैल्यू जो है शेयर्स की 2014 को कितनी थी उसके पास, वो हम यहाँ पर मालूम कर लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास यहाँ पर आ गया है, नंबर ऑफ शेयर्स 300 शेयर्स, ठीक है। तो 30 जुलाई 2014 को 300 शेयर्स उसके पास था। अब जो है तो यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया हुआ है 30 जुलाई 2014 को उसकी मार्केट प्राइस दी हुई है 300, ठीक है, ₹300। तो 300 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹300, उसकी मार्केट प्राइस कितनी हो गई 300, ठीक है। तो 300 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹300, आपका अमाउंट जो आएगा वो 90,000 आएगा। आपका अमाउंट जो आएगा वो कितना, 90,000, ओके। नाउ अब जो है तो हमें क्या मालूम करना है, गेन मालूम करना है। प्रॉब्लम में आपको बोला है, सबसे पहले तो मालूम किया हमने फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर जो है तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर आ गया 300 शेयर्स 30 जुलाई 2014 को। पहला प्रॉब्लम में जो पूछा है, पहला दो चीजें पूछी है, नंबर ऑफ शेयर्स और गेन। तो नंबर ऑफ शेयर जो है तो 30 जुलाई 2014 को आ गया हमारा 300 शेयर्स, ठीक है। अब एक्चुअल जो है तो यहाँ पर हमने मालूम किया एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन 30 जुलाई 2014। तो 300 शेयर्स है 30 जुलाई को मल्टीप्लाइड बाय ₹300, उसकी मार्केट प्राइस 30 जुलाई 2014 को प्रॉब्लम में दिया हुआ है, उसकी मार्केट वैल्यू रहेगी 300। तो यहाँ पर 300 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹300, आपका अमाउंट आएगा 90,000। अब गेन मालूम करना है हमें, तो गेन मालूम करने के क्या करेंगे हम, एक्चुअल वैल्यू 90,000 माइनस उसको माइनस कर देंगे 31,500, जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है उसको लेस कर लेंगे। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स 90,000 माइनस 31,500, आपका जो आंसर आएगा वो 58,500 ही आपका गेन आएगा, जो कि सेकंड आंसर है आपका, सेकंड आंसर है आपका, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, पहला फर्स्ट आंसर है, नंबर ऑफ शेयर्स 300 शेयर्स
ठीक है, और गेन जो रहेगा वो 58,500। ओके, गेन के लिए हमने सिंपल क्या किया, एक्चुअल वैल्यू मालूम किया 30 जुलाई 2014 को कितनी थी, 300 शेयर्स इंटू रुपीज 300, तो 90,000 जो है तो उसकी वैल्यू आ गई, और इन्वेस्टमेंट था 31,500 का, इन्वेस्टमेंट था 31,500 का, तो एक्चुअल वैल्यू में से 31,500 जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस कर लेंगे तो आपका गेन आ जाएगा, तो 58,500 ये आपका गेन है। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम आपका। तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे और उसके बाद जो है तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। आई रिपीट वंस अगेन, जो दिया हुआ है वो लिखते हैं हम, जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर है 150, उसके बाद मार्केट वैल्यू प्रॉब्लम में दी हुई है 210, फेस वैल्यू दी हुई है 20, तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड हम मालूम कर लेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स 150 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू 210, तो 31,500 आपका अमाउंट इन्वेस्टेड आ जाएगा, अमाउंट इन्वेस्टेड ये आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड 31,500। अब क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन 30 जुलाई 2014, जो कि प्रॉब्लम में पूछा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 150 नंबर ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि पहले उसकी कीमत थी 10, जिसको कंपनी ने इंक्रीज करके 20 कर दिया, तो 150 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 20, तो 300 शेयर्स क्या हो जाएगा, 300 शेयर्स हेल्ड ऑन 30 जुलाई 2014। अब एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर जो है तो ऑन 30 जुलाई 2014 मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 300 शेयर्स आ गया हमारा और उसकी कीमत जो है तो प्रॉब्लम में दी हुई है ₹300, तो 300 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹300, 90,000 आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो 90,000 आपकी जो है तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू आ गई। तो गेन मालूम करना है प्रॉब्लम में, सेकंड मालूम करना है गेन, तो गेन मालूम करने के लिए एक्चुअल में से इन्वेस्टमेंट जो है तो एक्चुअल अमाउंट में से इन्वेस्टेड अमाउंट लेस कर लेंगे तो आपका गेन आ जाएगा। तो एक्चुअल गेन, एक्चुअल जो है तो अमाउंट वैल्यू जो है वो कितनी 90,000 है, माइनस कर देंगे उसमें से अमाउंट इन्वेस्टेड 31,500, इस तरीके से आपका जो गेन रहेगा, प्रॉफिट रहेगा वो 58,500, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन 30 जुलाई 2014 300 रहेगा और गेन जो रहेगा आपका 58,500। ओके, सिंपल प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।